कितना अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है। शहर में एलियंस आ गए हैं। लोगों ने जायंट ड्रैगन फ्लाई को देखा जो पेड़ों का रस चूस चूस के उनको सुखा के चली गई। डॉक्टर डी, आप वेदार शहर में अचानक कैसे आ गए? क्या वजह है? मैं कई सालों से एलियंस पर रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे एलियंस रेडार बताते हैं कि वेदार शहर में एलियंस आए हैं। इसमें हंसने की कोई बात नहीं, एलियंस होते हैं और मैं ये प्रूव करके रहूंगा। बस एक एलियन पकड़ में आ जाए तो मैं उसे रिसर्च करके उसके प्लैनेट की सब जानकारी लेकर उसके प्लैनेट पर ही कब्जा कर लूंगा। चलो चलते हैं, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। लड्डू सिंह जी से बात करते हैं। मैंने टीवी न्यूज में देखा है और लोगों से भी सुना है, ये ऐसे ड्रैगन फ्लाई शहर में घूम रही है। डॉक्टर डी की बात माने तो वो एलियन है, वो उसे पकड़ने आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं पकड़ लूंगा। वो कैसे? उस फूल की महक इतनी तेज है कि ड्रैगन फ्लाई को आना ही होगा, और जैसे ही वो लॉकअप में जाएगी मैं डोर बंद कर दूंगा। भाई, देखा मेरा मास्टर प्लान? वाओ, उस फूल की खुशबू तो बहुत अच्छी है। देखते हैं वो कहाँ जा रही है। चलो। ड्रैगन फ्लाई इनका स्पेसशिप है। मी, उस लड़के ने हमें देख लिया है, उसे पकड़ के साथ ले चलो वरना हमारा राज खुल जाएगा। ओह नो! Let's go.
मुझे नहीं पकड़ सकते, फिर कभी आना। एलियंस, एलियंस मिल गए, वो इसी शहर में हैं। कम ऑन, फॉलो मी। हमें बच के भागना चाहिए, इनकी पकड़ में किसी भी हालत में नहीं आना है। हाँ जी, सुना है ये लोग एलियंस को पकड़ के उन पे रिसर्च करते हैं। यू एलियंस, यू आर अंडर अरेस्ट। वो मेरे मेहमान हैं, उन्हें कोई नहीं छुएगा। मेरी कई सालों की मेहनत आज काम आएगी। नहीं, उन्हें कोई नहीं पकड़ेगा। मेरा नाम है डॉक्टर डी, लोग मुझे डॉक्टर डेंजरस भी कहते हैं। उठा लो इन एलियंस को। नहीं, उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। ए बच्चे, दूर रहो वरना चोट लग जाएगी। बच्चा नहीं कहना अंकल। Hands up! मेरे पास रिवॉल्वर है। हाय, मेरे पास ये है। अब बताओ कौन hands up करेगा? लड्डू सिंह जी, हमें एलियंस को उनके पंजे से छुड़ाना होगा। जल्दी चलिए। लड्डू सिंह जी, हेलो माय डियर एलियंस, कैसे हो?
अच्छे तो नहीं हो गए। अब तुम मुझे बताओगे तुम लोगों का प्लैनेट कहाँ है, वहां कैसे पहुंचा जा सकता है, तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हारी ताकत क्या है, सब बताओगे। हम कुछ नहीं बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर टी है। डर से मुझे लोग डॉक्टर डेंजरस भी कहते हैं। मैं कितना डेंजरस हूँ ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये अलार्म क्यों मच रहा है? यहाँ कौन आ सकता है? आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? ये बच्चों की तरह खिलौनों से खेलते कूदते क्यों नहीं? क्यों बड़ों की तरह खतरों से खेलते हैं? खत्म कर दो उसे, यहाँ तक पहुँचने न पाए। बच्चे क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? बच्चा नहीं कहना अंकल। कोई इस बच्चे को नहीं रोक सकता। बस बच्चा मत कहो, बहुत मारता है। चुप करो। मैं डॉक्टर टी हूँ और डर से लोग मुझे डॉक्टर डेंजरस कहते हैं। मैं इस बच्चे को बताऊंगा कि मैं कितना डेंजरस हूँ। बात मान लेनी चाहिए थी। बच्चा नहीं कहना, शिवा, शिवा नाम है मेरा। शिवा 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 रोको उसे। पकड़ो उसे, छोड़ना मत। ये बच्चा क्या भला है? शिवा, मैं ची हूँ और ये मेरा दोस्त मी है। तुम हमारे लिए बहुत तकलीफ उठा रहे हो। थैंक यू। आप लोग चिंता मत करो। लड्डू सिंह जी, मैं गहरी घाटी की तरफ जा रहा हूँ, आप लोग वहीं आ जाइए। ओके शिवा, ओके। चलिए सर।
एलियंस को चोट ना लगने पाए। डरो मत। कभी हार नहीं मानते क्या? पकड़ो उसे। Hands up, Shiva. उनको मेरे हवाले कर दो। Hands up. अब कोई चाल नहीं चलेगी, समझे? Hands up. रेवा, आदि, यूडी, ये ची और मी है। ची और मी, ये मेरे दोस्त है। रेवा, आदि एंड यूडी। और मैं इंस्पेक्टर लड्डू सिंह। यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई एलियन आता है तो लोग ओके शिवा, हमारे जाने का टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच। तुम लोग बहुत अच्छे हो। कभी मौका मिला तो तुम्हें अपने प्लैनेट ले जाएंगे। आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप लोग यहाँ कैसे आ गए। हमारे प्लैनेट में पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ खत्म हो गई हैं। हमें एनर्जी इन्हीं से मिलती है। यहाँ से इन सब का रस चूस के हम ले जा रहे थे। अगर ऐसी बात है तो आप लोग यहाँ से हर पेड़ पौधे फूल पत्ती फल के सीड्स ले जाइए और अपने प्लैनेट में लगा दीजिए। सच? क्या तुम लोग हमें सीड्स दोगे?